अलकुसा धंडावर में बोकारो जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के खिलाफ एक वार्ता आयोजित कर कहा कि कंपनी जब से बनी तब से क्षेत्र की जमींदाताओं, शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित युवाओं और स्थानीय असंगठित मजदूरों एवं क्षेत्र में बसी आम जनता के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के निर्देशानुसार किसी भी स्थापित उद्योग में श्रमिकों की संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी 75% है। बांधडी रेलवे साइडिंग के बगल में स्थित गांव के ग्रामीणों के साथ प्रदूषण नियंत्रण पर बैठक आयोजित कर प्रदूषण से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था किया। अभी तक जितना भी दुर्घटना हुई इसकी जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए मृतक के आश्रितों को क्या क्या सुविधा दी गई उसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सीएसआर के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को इलेक्ट्रो स्टील कंपनी में रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ कई मांग है, प्रबंधन इस पर ध्यान दे। मौके पर चास प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी ने कहा कि यहां के रैयतों ने जमीन देकर कंपनी को खड़ा किया है, लेकिन यहां के रैयतों एवं स्थानीय लोगों के साथ कंपनी भेदभाव कर रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से अजीत सिंह चौधरी, विरंची मेहता, बनवाली बावरी, तूफान साहनी, जैतून महतो, कासिम काजी समेत दर्जनों कांग्रेसी मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस किसके लिए कर रहे हैं, क्या लेके कर रहे हैं मुद्दा भी? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रो स्टील जिस क्षेत्र में बसा है उस क्षेत्र के रैयत एवं ग्रामवासियों ने जिस सपना को देखा था ये इलेक्ट्रो स्टील के द्वारा ठीक उसके विपरीत काम कर रहा है। जहाँ पर रोजगार देने की बात थी वहाँ बाहरी मजदूरों को लाकर यहाँ काम कराया जा रहा है। रेलवे साइडिंग बांधली में बनाकर रेलवे साइडिंग के अगल बगल के गांव वासियों को एवं राहगीरों को प्रदूषण के आग में झोंक दिया गया है। और तो और प्लांट का गंदा पानी इजरी नदी जैसे स्वच्छ नदी को भी प्रदूषित करते हुए दामोदर नदी को भी प्रदूषित कर रहा है। यहाँ कार्यरत मजदूर एवं पदाधिकारी धनबाद और शहर बोकारो जैसा शहर में रहकर यहाँ ड्यूटी कर रहा है। प्रबंधन उसके आने जाने में चार पहिया वाहनों से लेकर बस की व्यवस्था दी है जो निश्चित रूप से इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन का एक मनमानी है जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिन मजदूरों को बाहर में रख कर इन्होंने यहाँ काम चला रहा है उसके बदले इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन के सामने शहर बसाने का काम करे। जमीन रैयतों से लेकर रखा हुआ है, देवग्राम के सामने उतना बड़ा हॉल बना हुआ है जहाँ पर मॉल बनने की बात थी, हॉस्पिटल बनने की बात थी। लोगों को उम्मीद था कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, शिक्षा संबंधी सुविधा, यातायात संबंधी सुविधा के साथ साथ यहाँ का लोगों का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रो स्टील कंपनी सिर्फ बिजनेस पॉलिसी अपनाकर काम कर रही है, साथ साथ यहाँ के कार्यरत मजदूरों के साथ भेदभाव रवैया अपनाए हुए हैं। नॉन स्किल्ड और स्किल्ड दो पार्ट में बांटकर जो लोग को बाहरी मजदूर काम कर रहा है उन लोगों को अधिक पैसा दिया जा रहा है और हमारे स्थानीय लोग जो काम कर रहा है वो उसे कम पैसा दिया जा रहा है। इसलिए